अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मार्क छोड़ दो मार्क। हमें नहीं बचाना था। मार्क नहीं जीता। मार्क बस। नहीं जीना, नहीं जीता। बस शांत हो जाओ मां, शांत हो जाओ। तुम्हारे और बिंदिया के रिश्ते को तोड़ने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। और देखो ना, हमारा रिश्ता एक झटके में खत्म हो गया। ये सब हमारे बुरे कर्मों की सजा है। सब नहीं माँ, मैं आपको ऐसे रोने नहीं दूंगा माँ, नहीं। अरे आप इस घर की मालकिन है, मेरी माँ है। अरे मिठाई कौन होती है? पापा को आपसे माफी मांगनी होगी। उस मिठाई को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। लल्ला चलिए मेरे साथ। नहीं लल्ला। चलिए। बाहर आइए पापा, मुझे आपसे बात करनी है। पापा बाहर आइए। हाय रे दैया, मर गई रे मैया। आ गया आपका अब है, का करेगा वो अब, का होगा? अरे का होगा, कुछ नहीं होगा। बस तुम अब देखो कांतिलाल का रौब। चलो मेरे साथ आओ। अरे आओ। का है? बार बार क्या चिल्ला रहे हो? बात क्या है? अंजू आप ये सही नहीं कर रहे हैं पापा, मैं आपको ऐसा गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। अच्छा, अब सही और गलत का फर्क तुम हमें बताओगे? हाँ बाप तुम हो या हम? आप पिता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप करेंगे। माँ ने अपनी उम्र बिता दी है आपकी खुशियों का ख्याल रखने की कोशिश में, और उम्र के इस पड़ाव पर आप ही उनके साथ छोड़ रहे हैं। तो उनका एहसान मानना तो दूर की बात, आप उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो। तुम्हारी अम्मा का जो ये जान देने का फैसला है ना, ये टोटली उनका खुद का है। हमारा फैसला केवल इतना है कि हम तुम्हारी अम्मा को तलाक दे के मिठाई से ब्याह करना चाहते हैं। अब तुम इसे हमारी मनमानी समझो या तानाशाही, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम इसके साथ नहीं रह सकते, इसको तलाक दे रहे हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि हम तुम्हारी अम्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। रिश्ते कच्चे धागों की तरह नहीं होते बाबूजी, जिन्हें एक झटके में तोड़ दिया जाए। पूरी जिंदगी माँ ने एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाया। अपनी तरफ से माँ ने रिश्ता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी हर बात मानी, आपकी सेवा की, आपके हर जुल्म सहे, और आपने अपने एक बार भी सोचा माँ का? और तो हर दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना लिया। का
तुम्हारी सास के गुणगान करते करते शायद तुम भूल गई हो कि बहू तुम हमरी भी हो। अगर पहले पता होता कि सीएम बनने के बाद तुम हमारे सर पर बैठोगी तो कभी वोट नहीं देते तुम्हें। या कुछ भी हो, तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हारे ससुर, इसलिए बार बार पीछे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना काम से काम रखो, समझी तुम? पापा, वो अपना काम ही करिए पापा, वो मेरी पत्नी है, इस घर की बहू। घर की मर्यादा आपने तोड़ी है, उसने नहीं। कैसे नहीं तोड़ी? अपने ससुर के सामने कैंची की तरह जबान चलाने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए। तुम बीच में मत बोलो। मैंने आज तक कभी भी किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर तुमने मेरे पिता के कान भरे तो शायद तुम पर उठ जाएगा। हाय दया, मर गई रे मैया। अरे हमारी होने वाली पत्नी से ऐसी बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? करूंगा, 100 बार करूंगा। लेकिन हम करने नहीं देंगे। तुम पापा से ऐसे बात अपनी बीवी की वजह से कर रहे हो ना? ना तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं होती कि तुम पापा से इस तरह चिल्ला के बात करते। अभय जी, आप थोड़ी शांति से बात कीजिए। ऐसा क्या गलत बोल दिया बिंदिया ने जो पापा उसे चुप रहने को बोल रहे हैं? कौन से धर्म, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पत्नी अपने पति की सेवा करते रहे और पति उसे अपनी पैर की जूती समझे? और जब मन में आए उसे दूध में से मक्खी की तरह अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंक दें। अरे छुटका बाबू, इतना उत्तेजित काहे हो रहे हो? जरा शांति से बैठे तो आराम से बात करें। सुनो लल्ला, हाथ लगाने की गलती मत करना और खबरदार जो मुझे लल्ला बोला वो हक सिर्फ मेरी माँ का है। तमीज से बात करो, ये तुम्हारी माँ ही कहलाएंगी। जब अमरीश के साथ शादी हो जाएगी और हम तुम्हारी अम्मा को तलाक दे देंगे। अरे आप क्या मां को तलाक देंगे? मां आपको तलाक देगी। मैं अपनी माँ को किसी के भी सामने झुकने नहीं दूंगा। और ये बात याद रखिएगा कि मेरी माँ अकेली बिल्कुल नहीं है, उनका बेटा उनके साथ है। सुनो, अगर हमसे उलझोगे ना तो हम अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर देंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे आपकी जायदाद। अरे चाहोगे तो भी नहीं मिलेगी। और सुनो, तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना याद रहे, जो सारी संपत्ति हमारे नाम लिखी हुई है ना, इसका फायदा उसी को मिलेगा जो हमारा साथ देगा। बात ये सभी लोग जो जायदाद के लिए आपका साथ दे रहे ना, आज कल वही लोग जायदाद की खातिर आपके साथ क्या बुरा कर सकते हैं ये याद रखिएगा।
चलिए मां। हमरे कमरे में काहे लेके जा रहे हो सौतन जी को? वहां हम रहते हैं। उसने आपको आप ही के कमरे से बाहर निकाल दिया? अरे उस मिठाई की इतनी हिम्मत कि वो आपसे कह रही कि अब वो कमरा उसका है? बस 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 मां, ये आंसू पोछ लीजिए मां। मैं आपको ऐसे रोने नहीं दूंगा। उस आदमी को तुम्हें नहीं लल्ला, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारे पिता है, हमारे पति। जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मिठाई की वजह से हुआ है लल्ला, हम कह रहे हैं। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उनकी तरफदारी कर रही हो माँ? उसमें माँ की गलती नहीं है अभय जी। सालों से घर संभालते, पति का ख्याल रखते, एक औरत घर की गृहस्थी में इतना उलझ जाती है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि उसका पति उससे दूर जा रहा है, कि उसमें कोई बदलाव आ रहा है। नहीं बिंदिया, नहीं, हमारे पति में जो भी बदलाव आया वो मिठाई के वजह से ही है। हम कह रहे हैं ना, उसी ने कुछ किया होगा। देख के मेरी अल्हड़ जवानी, कितनों के बल्ब फ्यूज हुए। Oh,
अब जाके लगा है निशाना सही जगह पे। अब हुआ है सही काम। जय हो बाबा जी। आपने जो पुड़िया दी थी वो काम कर रही है। बस अब आप जैसे बताते जाएंगे हम वैसे ही करते जाएंगे। आखिर अपनी औलाद के लिए हमें ये जायदाद, ये जमीन, ये संपत्ति सब हासिल जो करनी है, और उसके बाद इस बुढ़ऊ को तो लात मार के निकाल देंगे। बस एक बार ये सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए। कांति, तूने हमारा जिंदगी भर इस्तेमाल किया, मां बना दिया, लेकिन कभी हमारा हाथ नहीं थम। बच्चा भी हुआ तो उसको भी अपना नाम नहीं दिया। हम क्या करते? हमारे पास कोई और तरीका बचा ही नहीं, तो करना पड़ा तुझ पे वसीकरण। तो अब देख बुढ़ऊ, सब कुछ हमारे कब्जे में है। मिठाई की क्या गलती है मां? अगर उसने फंसाया तो पापा भी तो सब कुछ भुला कर उसके झांसे में आए। कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए इज्जत और प्यार नहीं था, तभी तो वो किसी दूसरी औरत के बहकावे में आए। माँ, पति पत्नी का रिश्ता मजाक नहीं होता। माँ, एक औरत टोली में बैठकर ससुराल आती पर निकलती अर्थी में। लेकिन अगर पति ही ऐसा निकले तो फिर उस रिश्ते को सही ढंग से खत्म करना ही ठीक होता है। आप उन्हें तलाक देंगी मां, उन्हें तलाक देंगी मां, उन्हें तलाक देंगी मां। और ऐसे तलाक देंगी कि उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने ऐसी गंदी हरकत क्यों की। नहीं लल्ला, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हम रिश्ता जोड़ने की बात कर और तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। इस रिश्ते में जंग लग चुकी है मां, और उसी दिन लगना शुरू हो गई थी जिस दिन पहली बार पापा उस मिठाई के पास गए थे। अगर शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाए तो उसे निकाल फेंकना ही ठीक होता है। लल्ला, लल्ला, अपनी बात सुनो।
तुम ही लल्ला को समझाने की कोशिश करो बिंदी। लल्ला हमें जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकता, इसीलिए ऐसा कह रहा है। कह देना बहुत आसान है कि तलाक ले लो। तुम ही बताओ बिंदी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम कह रहे हैं ना कि जुबली के पापा में जो बदलाव आया है ना, उसके लिए हम उनके सामने रहेंगे तो ठीक रहेगा। अरे इतने साल बिताए हैं हमने उनके साथ, तुम लल्ला को समझाने की कोशिश करो। हम आते लल्ला। माँ जी ठीक कह रही है, जरूर मिठाई ने कुछ किया है, इसलिए अचानक बाबूजी में ये बदलाव आया। हमें अभय जी से इस बारे में बात करनी ही होगी।